हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एट क्लास हम कर रहे हैं एट क्लास का चैप्टर नंबर टू लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट टू पिछली दो वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर इलेवन तक डिस्कस कर चुके हैं नाउ लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी फोर टाइम्स हिज प्रेजेंट एज वट इज रविज प्रेजेंट एज नाउ हमने निकालना क्या है रवि की प्रेजेंट एज नाउ सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ रवि को सपोज कर लेंगे एक्स नाउ फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ आज से पंद्रह साल बाद रविज एज विल बी अब यहाँ पे देखो विल लगाया कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि पंद्रह साल बाद उसकी जो एज है क्या हो जाएगी बी फोर टाइम्स चार गुना हो जाएगी जितनी उसकी प्रेजेंट एज है हिज प्रेजेंट एज यानी कि अगर आज उसकी एज फाइव इयर्स है तो उसकी एज चार गुना हुई तो कितनी बन जाएगी फाइव फोर सा ट्वेंटी ईयर्स यानी कि फोर इन एक्स कर देंगे नाउ अब गिवन कंडीशन को अप्लाई करो नाउ फिफ्टीन ईयर्स बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस फिफ्टीन इट मीन्स कंडीशन क्या गिवन है एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू फोर टाइम्स फोर इंटू प्रेजेंट एज कितनी एक साइड कर लेंगे ना लेफ्ट में अकेला एक्स है पॉजिटिव है उसको राइट right साइड पे लेके जाएंगे क्या बन जाएगा माइनस एक्स ना फोर एक्स माइनस एक्स एस फोर माइनस वन एस थ्री एक्स नाउ एक्स के साथ थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा क्या बन जाएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन इट मीन रवि की एज कितनी है फाइव इन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ रैशनल नंबर इज सच दैट वेन यू मल्टीप्लाई इट बाय फाइव बाय टू एंड एड टू बाय थ्री टू द प्रोडक्ट यू गेट माइनस सेवन अपॉइट ट्वेल्व वट इज द नंबर अब हमें क्या है एक रैशनल नंबर दिया हुआ है हमने उसी नंबर को फाइंड आउट करना है मैंने सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर उसको मैंने क्या सपोज कर लिया एक्स नाउ अब गिवन कंडीशन देखें नाउ अ रैशनल नंबर इज सच दैट वेन यू मल्टीप्लाई बाय फाइव बाई टू यानी कि वो नंबर ऐसा है कि अगर उसको फाइव बाई टू के साथ मल्टीप्लाई कर लें देखो यहां पे मैंने लिखा ना फाइव बाई टू इन टू एक्स यानी कि इस नंबर को फाइव बाई टू के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड देन उसके बाद एड टू दी प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी कि इस में फिर क्या करना है हमने टू बाय थ्री एड कर देना है देन यू गेट आपको क्या मिल रहा है माइनस सेवन अपॉइंट ट्वेल्व मिल रहा है देखो यानी कि इसका आंसर जो है हमें माइनस सेवन अपॉइंट ट्वेल्व मिलेगा ना वो यहां से हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई उसके बाद सिर्फ सिंपली इसको सॉल्व करना है हमने नाउ हो एक्स वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं लेफ्ट साइड में रहने दी मैंने और जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे है मैंने क्या किया इस टर्म को शिफ्ट कर दिया टू दी राइट हैंड साइड प्लस का है माइनस का हो गया नाउ इसका मैंने एलसीम ले लिया एल्सिम लेने के बाद ये मेरा बन गया माइनस फिफ्टीन पॉइंट ट्वेल्व ना एक्स के साथ फाइव बाई टू मल्टीप्लाई हो रहा है इट मीन्स डिवाइड होएगा जब ये नीचे तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है चीज मैंने आपको बताई थी देखिए जब आपके पास रेशनल नंबर्स होते हैं ए बाय ओवर सी बाय डी इस टाइप का तो आपका ये बन जाता है ए बायट डी बाय सी ये आपका क्या है उल्टा हो जाता है यहाँ पे आके सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है फाइव बाय टू नीचे फाइव बाई टू आएगा इंटू टू बाई फाइव नाउ कैंसिल करके आपका ये आंसर आ जाएगा माइनस हाफ नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नाउ लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक लक्ष्मी क्या है कैशियर है बैंक में शी हैज़ करंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ फिफ्टी एंड रुपीज़ हंड्रेड रिस्पेक्टिवली उसके पास कौन कौन सी करंसी वाले नोट्स हैं हंड्रेड फिफ्टी और टेन रुपीज़ वाले नोट हैं द रेशो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज टू रेशो थ्री रेशियो फाइव यानी कि उनकी गितनी गिनती है कितनी है नोट्स की रेशो दी हुई है एक्चुअल उनकी गिनती नहीं दी हुई ये नहीं समझना कि हंड्रेड वाले दो नोट हैं नो no, यहाँ पे क्या है रेशो दी हुई है उसकी नाउ द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज फोर लैख नाउ टोटल कैश कितना है उसके पास फोर लैख हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी है हमने निकालना है कि हंड्रेड वाले कितने नोट हैं फिफ्टी वाले कितने नोट हैं और टेन वाले कितने नोट हैं नाउ सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि उसके पास हंड्रेड वाले कितने नोट हैं कितने होएंगे अब देखो यहाँ पे रेशो गिवन है जब भी रेशो गिवन होती है सबसे पहले आप कॉमन रेशो लेते हो अब ये तो नहीं है कि उसके पास दो नोट हंड्रेड वाले हैं फिफ्टी वाले तीन है और टेन वाले फाइव है नो उसका कोई मल्टीपल होएगा हमने उस रेशो को क्या ले लेना है एक्स सपोज कर लिया इट मीन्स उस इसका मतलब क्या है हंड्रेड वाले टू एक्स नोट्स होएंगे फिफ्टी वाले थ्री एक्स होएंगे और टेन वाले फाइव एक्स होएंगे ठीक है देखो मैंने सबसे पहले ये लाइन लिखी है नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज हंड्रेड बी टू एक्स नाउ अब क्योंकि हमें अमाउंट दी हुई है अब हमने इनको अमाउंट में चेंज करना है ना नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं मेरे पास टू एक्स इट मीन्स अमाउंट विद टू एक्स नोट्स अमाउंट उनकी कितनी हो जाएगी हंड्रेड इंटू टू एक्स जैसे देखिए मेरे पास सपोज है फाइव रुपीज़ वाले नोट हैं मेरे पास कितने हैं टेन नोट्स हैं ये उनकी गिनती है ये मेरे पास फाइव वाले कॉइन है चाहे नोट समझ लो नाउ इट मीन्स मेरे पास टोटल कितने पैसे होएंगे फिफ्टी रुपीज़ होएंगे इसी तरह मैंने देखना है कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी है तो मैं क्या करूंगी जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं उसको और जितनी उसकी वैल्यू है है किसके नोट्स हैं हंड्रेड के नोट्स हैं तो मैं क्या करूंगी हंड्रेड के साथ टू एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी इट मीन्स ये क्या बन गया मेरा टू हंड्रेड एक्स रूपीज़ सेम जैसे हमने टू एक्स के लिए किया हंड्रेड वाले नोट हैं अब नंबर ऑफ नोट्स ऑफ फिफ्टी फिफ्टी वाले कितने हैं मेरे पास थ्री एक्स इट मीन्स अमाउंट ऑफ थ्री एक्स नोट्स अमाउंट कितनी होएगी इनकी इत इतनी उनकी गिनती है फिफ्टी के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई क्या बन गया ये फाइव थ्रीजा फिफ्टी वन फिफ्टी एक्स आ, आ गया नाउ सेम उसी तरह जैसे 50 के लिए किया है, अब हम करेंगे 10 के लिए नाउ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 कितनी है रेशो गिवन है टू रेशो थ्री रेशो फाइव कितने होंगे फाइव एक्स होंगे इट मीन्स अमाउंट कितनी होएगी उनकी फाइव एक्स इंटू टेन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नाउ ये मेरा बन जाएगा टेन फाइव जा फिफ्टी एक्स नाओ अब हमें गिवन है टोटल कैश उसके पास कितना है फोर लैक्स नाओ इट मीन्स ये तीनों अमाउंट को इसको ये भी हमारे पास क्या अमाउंट है टोटल 200x हंड्रेड एक्स प्लस वन फिफ्टी एक्स यानी कि ये और ये इक्वल होएगा क्योंकि ये भी तो टोटल अमाउंट ही है ये भी, ये भी ये भी तीनों को ऐड करके इक्वल टू 4 लाख ,00 कर दिए ना तीनों को ऐड करोगे यहाँ से x की वैल्यू आ गई थाउजेंड नाओ अब हमने निकालना क्या था नंबर ऑफ नोट्स ऑफ हंड्रेड रुपी फिफ्टी रुपी और टेन रुपीज वाले नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं अब हम हमारे पास कितने थे नंबर ऑफ नोट एक्स एक्स की वैल्यू पुट डाउन कर दो कितना आ गया टू थाउजेंड इट मीनस हंड्रेड वाले कितने मेरे पास, 2000 और फिफ्टी वाले कितने थे? 3X, it means 3 into X की पुट करती, ये बन गया 3000, इसी तरह टेन के लिए ये कैलकुलेशन कर ली नाउ दिस इज योर आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज आई हैव अ टोटल ऑफ rupees थ्री हंड्रेड इन क्व डिनिनेशन रूपी वन टू एंड रूपी फाइव अब देखो कोई बंदा है उसके पास क्या है एक रुपये दो रुपये और पांच रुपज वाले क्या हैं कॉइन्स हैं ठीक है जैसे बच्चे इकट्ठे करते हैं अपने पिगी बैंक में उसके पास टोटल जो है कितने हैं थ्री हंड्रेड रुपीज हैं नाउ द टोटल नंबर ऑफ टू रुपे कॉइन इज थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ फाइव रुपे कॉइन यानी कि टू रुपीज वाले उसके पास क्या है ज्यादा है दो टू रुप, रुपीज वाले कॉइन क्या है तीन गुना है यानी कि थ्री टाइम्स कितने हैं जितने फाइव रुपीज वाले कॉइन है नाओ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज वन सिक्सटी और उसके पास टोटल कॉइन्स कितने हैं वन सिक्सटी हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन दी है यानी कि उसके पास हरेक कॉइन्स हैं वो कितने हएंगे ये फाइंड आउट करना है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है नाउ आई विल गिव यू हेंड नाओ सबसे पहले अब जब जिसका कंपेरिजन जिसके साथ किया है ना हो सभी कॉइन्स को लेना है हमने नाओ सबसे पहले मैंने क्या सपोज किया है लेट द नंबर ऑफ फाइव रूपी कॉइन बी एक्स फाइव रूपी क्वन मैंने क्या सपोज कर लिया एक्स क्योंकि देखो टू को टू रूपीज वाले कॉइन क्या थे थ्री टाइम्स ऑफ फाइव टाइम्स थ्री टाइम्स ऑफ फाइव रुपीज कॉइन इट मीन्स पहले फाइव वाले को तो सपोज करोगे ना फाइव वाले को सपोज कर लिया कितनी है उनकी गिनती एक्स इट मीन्स टू रूपीज वाले कितने हो जाएंगे थ्री एक्स थ्री टाइम्स है ना जितने फाइव वाले हैं जितने फाइव वाले एक्स ले लिया टू वाले कितने हो गए थ्री एक्स इट मीन्स रैक कौन से गे रुपी वन वाले अब टोटल कॉइन्स मेरे पास कितने हैं वन सिक्सटी कि वन सिक्सटी में से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो वन वाले आ जाएंगे हमारे पास ठीक है देखो यहां पे मैंने यही किया थ्री एक्स प्लस एक्सेज फोर एक्स यानी कि टोटल कॉइन्स में से दो रुपये और पांच रुपए वाले माइनस कर दिए तो वन रुपए वाले कॉइन आ जाएंगे नाउ अब क्योंकि हमें अमाउंट भी दी हुई है सेम पिछले क्वेश्चन जैसे 300 अब यहाँ पे हमने हर एक के साथ जितनी अमाउंट बन रही है सेम वैसे ही अमाउंट कैलकुलेट कर ली देखो नाउ अमाउंट ऑबटेन फ्रॉम एक्स क्वाइंस ऑफ रूपीज फाइव कितनी हो जाएगी फाइव इन टू एक्स थ्री रुपीज क्वाइन से कितनी हो जाएगी टू रुपीज वाले टू रुपीज वाले कितने हैं मेरे पास देखो थ्री एक्स है इट मीन जिनकी जितनी उनकी गिनती है उसको क्या है टू रुपीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स सेम इसी तरह रूपेर वन के लिए है उनकी काउंटिंग कितनी है हमारे पास वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स और रूपी वन वाला है इन टू वन करेंगे सेम ही रहेगा नाउ अब तीनों अमाउंट्स को हम किसके इक्वल कर देंगे तीनों का टोटल किसके इक्वल है टोटल मनी कितनी है थ्री हंड्रेड वहाँ से हमारी क्या है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी देखो नाउ फाइव रुपीज वाले क्वाइन कितने थे एक्स एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेंटी टू वाले कितने थे थ्री एक्स एक्स की वैल्यू पुट क्या आ गया सिक्सटी इसी तरह रुपीस वन वाले मैंने फाइंड आउट कर लिए ये मेरा आंसर आ गया 80 नाउ तीनों की हमने क्या है काउंटिंग निकाली नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 इज

द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज थ्री थाउजेंड टोटल हमने मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने थ्री थाउजेंड रुपीज फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज सिक्सटी थ्री हमने विनर्स फाइंड आउट करने हैं और टोटल पार्टिसिपेंट्स हमें गिवन है कितने हैं सिक्सटी थ्री नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ विनर्स नाउ नंबर ऑफ विनर्स को जो फाइंड करना है सबसे पहले हम एक्स सपोज कर लेते हैं नाउ अब देखो विनर्स को कितने पैसे देने हैं उनको अमाउंट कितनी गिवन है हंड्रेड रुपीज़ नौ विनर्स कितने हैं हमारे पास एक्स है इट मीन्स अगर हमारे पास अमाउंट एक जने को हंड्रेड देनी है और अगर एक जने को हंड्रेड देनी है हमारे पास सपोज पार्टिसिपेंट्स कितने हैं टेन है या फाइव सपोज कर लो हंड्रेड देनी है हर एक को फाइव है तो कितनी होएगी हंड्रेड इंटू फाइव हो जाएगा फाइव हंड्रेड इसी तरह यहाँ पे देखो हंड्रेड देनी है और पार्टिसिपेंट्स कितने हैं विनर्स कितने हैं एक्स इट मीन्स हंड्रेड इंटू एक्स हो जाएगा देखो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ प्राइज फॉर एक्स विनर्स नाओ अब देखो जो जीते हैं एक्स है जो नहीं जीतेंगे वो कितने होंगे टोटल में से माइनस कर दो टोटल कितने जने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिक्सटी थ्री इट मीन्स एक्स जीत रहे हैं तो जो नहीं जीतेंगे वो कितने हो जाएंगे सिक्सटी थ्री में से एक्स माइनस कर दो वो क्या हो जाएंगे नॉन विनर्स इट मीन्स उनको कितनी अमाउंट मिलनी है ट्वेंटी फाइव रुपीज इट मीन्स अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर सिक्सटी थ्री माइनस एक्स नॉन मेरिज उनकी अमाउंट कितनी हो जाएगी सिक्सटी थ्री माइनस एक्स इंटू ट्वेंटी फाइव सेम जैसे ये मल्टीप्लाई किया ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी नाउ टोटल अमाउंट किसके इक्वल है हमने थ्री थाउजेंड ली है टोटल अमाउंट कितनी है मनी की थ्री थाउजेंड इट मीन्स इस दोनों को ऐड करके थ्री थाउजेंड की इक्वल कर लेंगे नाउ यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व किया मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई नाइनटीन इट मीन्स नंबर ऑफ विनर्स क्या आ गए 19. क्या आ मेरे पास नाइनटीन आ गए नाउ दिस कम्प्लीट्स योर एक्सरसाइज टू पॉइंट टू नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री एंड थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो